देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है भारत एट नाइन। दर्शकों, आज के भारत एट नाइन में मैं महज 9 सवाल पूछना चाहता हूं। 9 सवाल ये हर किसी से, ये पूरे भारत से। वो 9 सवाल शुरू होते हैं कि आखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले कहती हैं कि युवा हमारे साथ, युवा हमारे साथ। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि सरकार बन जाने के बाद हमने देखा हो कि युवा कहते हो कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और सरकार हमारे साथ है। ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार बनने के बाद युवा कहते हो कि ये सरकार तो हमारे साथ है, ये सरकार तो हमारे साथ है। कभी ऐसा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ एक और चीज है कि मुद्दा महज भर्ती नहीं है, क्योंकि आज मैं बेरोजगारी, भर्ती, इन सभी पर बात कर रहा हूं। और मुद्दा महज भर्ती नहीं है तो क्या है? मुद्दा है दर्शकों, भविष्य, युवाओं का भविष्य। आप अगर भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं करा सकते, अगर आप भर्ती सही से नहीं करा सके, तो कल को, परसों को आप जब इस भर्ती को कराने की बात करते हैं, तब दर्शकों एक चीज याद रखिएगा कि आप जब ये बात कर रहे हैं तब या तो उनकी उम्र निकल चुकी है, या तो पारिवारिक बंधनों में ऐसे बंध चुका है वो कि वो आगे पढ़ाई को उतनी उत्साह के साथ नहीं कर सकता। ये सवाल राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान में रीट की जो भर्तियां थी उनको रद्द कर दिया गया। सबसे पहले तो युवा लड़ता है कि किस तरीके से भर्तियां निकाली जाए, सरकार कब भर्ती निकालेगी, कब भर्तियां होंगी। भर्तियां निकाली जाती है, फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म जमा किया जाता है, डेट आती है एग्जाम की, एग्जाम दिया जाता है, पहुंचा जाता है, और परीक्षा केंद्र में अगर 5 मिनट लेट हो गए तो रोते रोते महज अगर आप मर भी जाएं तो कोई समस्या नहीं, 5 मिनट लेट पर आपको नहीं बैठने देगा प्रशासन। उसके बाद आप परीक्षा देते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद भी अगर आप पास हो गए तो फिर कहा जाता है कि भर्तियां रद्द होंगी, नहीं हो सकती। क्यों? सरकार के पास भी बकायदा वाजिब जवाब है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, किसी की जूते के अंदर ब्लूटूथ निकला है, किसी के हाथ में कुछ निकला है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत धांधली हुई है, और ये कहते हुए भर्तियां रद्द। तो जो मेहनत का युवा है, क्या उन्होंने कहा था ब्लूटूथ रखने के लिए? क्या उन्होंने घर घर जाकर पर्चे बांटे? ये सरकार नहीं बता रही है, लेकिन हाँ धांधली तो हुई है। तो सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द की और सजा मिली युवाओं, जबकि सरकारी एजेंसी का काम था भर्तियां करा, लेकिन पर्चा कहां छपा, भर्तियां कहां से कहां हुई, ये सब कोई नहीं बता पाया, सिर्फ भर्ती रद्द। सरकार वैसे ही मौज में है, बिस्लेरी का ठंडा मिनरल वाटर पी रही है, आराम से सब है, सब कुछ, गर्मी में भी सर्दी का मजा जो है आराम से लिया जा रहा है। इसके बाद एक एसओजी का गठन होता है, मांग सीबीआई की थी, गठन एसओजी का होता है। एसओजी तफ्तीश कर रही है बहुत मेहनत के साथ, आरोपियों को पकड़ रही है, एक एक आरोपी को पकड़ रही है। लेकिन दर्शकों हुआ क्या? हुआ दरअसल ये कि जो लोग पकड़े गए वो लोग जितनी मेहनत के साथ पकड़े गए उतनी आसानी के साथ छूट गए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि कुछ लोग जो कि दरअसल सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है, वो भी ऐसे बयान देते हैं मानो ऐसा लगता है कि वो बहुत सॉफ्ट है आरोपियों की तरफ, उनको कहीं ना कहीं पीछे के बैकडोर से उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज, सरकारी एजेंसी का काम था भर्ती कराना, तो सरकार की गलती हुई कि धांधली हुई? सरकार की गलती हुई कि धांधली हुई, क्योंकि क्राइम रेट अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा क्राइम हो जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। वहां पर लोग मांग करते हैं, विपक्ष की पार्टियां मांग करती हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ये चला नहीं पा रहे। तो जब आप भर्तियां नहीं करा पा रहे हैं, आप जब परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप असफल हैं। ये सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार असफल है। एक और चीज, पेपर लीक का जो आरोपी है उसकी एक बताया जा रहा है कि जो फोटो है वो विधायक जी के साथ, बकायदा होली मिलन समारोह, जब होली आपने इन युवाओं की बर्बाद कर दी, जब युवाओं की होली खत्म हो गई, नहीं मना पाए, तब पेपर लीक का एक आरोपी जिसकी बकायदा फोटो आ रही है कि विधायक जी के आसपास वो बैठा हुआ है। तो ये है सवाल, आपके धोखे से, धोखा जो हुआ है पूरा मशीनरी के द्वारा, उसके चलते युवा जो है कोई 2 साल पीछे चला गया, कोई 3 साल पीछे चला गया, जिसने अपने घर पर
एक बेटी ने, एक बहू ने अपने सास से कहा कि मुझे महज एक साल और दीजिए, मैं बहुत बहुत मेहनत करूंगी और एक साल बस। उसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि कुछ नहीं हुआ और सरकार की गलती युवाओं पर पड़ गई भारी। तो ये सारे सवाल हैं जिसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं, सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं, शैलेंद्र दवाई जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अरुण शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ मनीष धुरिया जी मौजूद हैं, जो कि दरअसल आज उनके लिए कहूंगा कि पीड़ित है। मनीष धुरिया की जो पीड़ा है उसका इलाज आज होगा और ऐसे होगा कि आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप एक पक्ष हैं एक विपक्ष हैं, दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं अपने अपने कार्यक्षेत्र और जवाबदेही तय है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगा अरुण शर्मा जी, आप इधर उधर की बात बिल्कुल ना करें और ये बताइए कि आखिर काफिला लूटा क्यों? आपकी जिम्मेदारी थी परीक्षा कराना, आप नहीं करा सके, बोलिए हाँ। आपकी जिम्मेदारी थी परीक्षाओं को सही ढंग से कराना, अच्छे से कराना, आप नहीं करा सके, आपकी गलती है, बोलिएगा हाँ। अगर कुछ भी आप कह रहे हैं कि कैसे, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, आप संघ लोक सेवा आयोग है दिल्ली में, आप जा सकते हैं दफ्तर में, उनसे सीखिए कि परीक्षा कैसे कराते। आज तक मैंने नहीं देखा अपने पत्रकारिता के करियर में, बीते एक दशक में, कि संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा में गड़बड़ हुई हो और ये आईएएस वाले जो एग्जाम देते हैं ये लोग सड़क पर आए हो, रोते भी लगते। लेकिन हमेशा स्टेट लेवल की जो एग्जामिनेशन है उसमें गड़बड़ क्यों होती है? और ये कोई बच्चा बच्चा भी बता देगा, गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि एक लूपहोल छोड़ा जाता है ताकि सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार से जुड़े लोग हैं, उनका भतीजा भी भर्ती हो जाए। वो लेखपाल नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा? अब भर्ती अगर वो नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो एक लूपहोल छोड़ा जाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में एक लूपहोल रखो कि सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनका चाचा भतीजा मौसी और मौसी की लड़की सब भर्ती हो जाए कहीं ना कहीं से। तो ऐसे में आपसे सवाल यह है सर, और बड़ा लंबा वक्त हो चुका है लड़ाई लड़ते लड़ते, और ये युवा आपको नहीं मालूम होगा, आप कहेंगे क्या बासी बात पर आप बात कर रहे हैं, आप तो होली मना रहे हैं, बकायदा होली मिलन समारोह हो रहे हैं आप लोगों के, हर चीज ठीक है सर। लेकिन ये युवा, मैं लगातार बहुत सारी तस्वीरें आप दिखा सकता हूं आपको, बेटियां रो रही हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जिनकी अभी शादी हुई है 2 साल पहले, उन्होंने कहा घर पर कि 2 साल, अपनी सास से कहा कि 2 साल के लिए मुझे मौका दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं मेहनत करना चाहती हूं, कुछ बन जाना चाहती हूं, फिर आगे अपने घर बार को उस तरीके से देखेंगे। वो आज अपनी सास से क्या कहे? एक बेटी है जिसने 2 साल का वक्त मांगा था कि पिताजी 2 साल बाद मेरी शादी कर दीजिएगा, 2 साल मुझे करियर पर फोकस करने दीजिए, आपकी गलती की वजह से वो नंबर लेकर आई है मेहनत के बाद, लेकिन आप कुछ और लोगों की गलतियों का ठीक रहा इनके सर पर फोड़ रहे हैं। और तीसरी चीज सर, आपके विधायक जिनका नाम है दरअसल, जो कि चौहटन से विधायक है, नाम है पद्मारण मेघवाल साहब, 5 दिन पहले एक आरोपी है भजन लाल विश्नोई जो कि जमानत पर बाहर छूटा है, आपके विधायक के साथ बैठकर होली खेल रहा है सर, ये क्या कर रहे हैं आप, चिढ़ा रहे हैं क्या इन युवाओं को? अरुण जी, अच्छा मुझे पहले तो आप सबको नमस्कार, पैनल को मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ हाँ के अलावा कुछ कहना है क्या? आपकी पटकथा के अनुसार तो आपने सब कुछ तय कर लिया है, और मुझे आपने कहा कि बोलिए हाँ, बिल्कुल तो सवाल उसका जवाब हाँ देना है या ये एक ओपन डिबेट है, मैं अपनी बात में रखता हूँ। देखिए सर, अगर आप सीधे हाँ या ना में जवाब देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर ये भी आप जवाब दीजिएगा कि जब चुनाव आएंगे तब आप रैलियों में बड़े बड़े भाषण नहीं देंगे, मैनिफेस्टो रिलीज नहीं करेंगे, बस उसमें लिखेंगे हाँ या ना, अब जवाब दीजिए सर। देखिए दोस्त, ऐसा है सितंबर माह में हुई है और इसमें काफी डिले इसलिए भी हुआ था कि कोरोना एक असामान्य काल में हम जी रहे हैं, पिछले 2 साल आपको मालूम है पूरा प्रदेश, पूरे देश, पूरा विश्व इससे पीड़ित था और उसमें कोई भी सामान्य काम नहीं हो रहे थे, पहली प्राथमिकता अपने अपने नागरिकों को बचाने की थी, तो यहाँ भी राजस्थान में भी पहला जतन यही था कि महामारी के प्रकोप से लोगों को बचाया जाए, और उसमें काफी सफल प्रबंधन इस सरकार ने किया है, जिसकी चर्चा
सब जगह है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि युवाओं की, क्योंकि हमको फिक्र थी कि ये भर्तियां बहुत दिनों से अटकी हुई हैं, इसलिए हमने करीब 16-17 लाख लोगों को जो पात्र थे इसमें वो एग्जाम करवाया, जबकि उसमें भी लोग अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में आप एक साथ कैसे करवा पाएंगे, और उसमें बहुत संदेह था लोगों को, पर हमने करवाया, पूरा मैनेज किया, छात्रों को सुविधाएं दी कि वो यात्रा कर सके निशुल्क, और उनके रहने का सारे व्यवस्थाएं देखी गई, शहर भी डिस्टर्ब नहीं हो, ट्रैफिक का भी पूरा ध्यान रखा गया और परीक्षा संपन्न हुई अच्छे तरीके से। दुर्भाग्य से 4 अक्टूबर को पहली सूचना प्राप्त हुई एसओजी को। एसओजी, एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, यहाँ राजस्थान में बहुत एम्पावर्ड पुलिस फोर्स है एसओजी के नाम से, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें पिछले 3 सालों से जो अभियान चल रहा है वो अभूतपूर्व है, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो, जब उन्होंने कोई किसी भ्रष्ट अफसर को, भ्रष्ट इंजीनियर्स को, जो जो भी आईएएस इवन आईपीएस भी हैं, उन पे कार्रवाई ना की। उनने पहली बार सूत्र निकाला कि ये पेपर एक लीक हुआ है उसमें, और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 1.5-2 महीने में इस जड़ तक पहुंचा गया, और जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया, और इस तरीके से ये एसओजी काम कर रहा है लगातार, और इसकी प्रशंसा चारों तरफ। दूसरी बात ये है कि आपने जिक्र किया कि मांग सीबीआई की थी और एसओजी से जांच कराई, उसका भी बहुत सोच विचार के ही ये फैसला किया गया था, क्योंकि देखिए सीबीआई से जांच अल्टीमेट चीज नहीं है, और जो तजुर्बा है हम लोगों का यहाँ राजस्थान में, जो पिछले 37 केस सीबीआई को दिए गए हैं अलग अलग अपराधों के, उनमें से 27 में कोई मूवमेंट नहीं है, उसको 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, तो ये सीबीआई की हालत है। ये क्योंकि स्पेसिफिक केस था जो युवाओं से जुड़ा हुआ था, हम किसी भी हालत में ऐसी स्थिति नहीं लाना चाहते थे जहां इसका निर्णय होने में 7-8 साल लगे, क्योंकि बात बेरोजगारों को नौकरी देने की थी, इसलिए एक चरण का 2 चरण में होती है ये, आपको मालूम है रेट, जो सेकंड चरण जिसमें ये लीक होने का मामला था उसको रद्द कर दिया गया तुरंत, और अब जुलाई में उसका एग्जाम भी होने वाला है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस मामले में बहुत संवेदनशील है, 2022 का पूरा एक कैलेंडर सरकार जारी कर चुकी है, हम करीब 1 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरियां, 1 लाख अभी पाइपलाइन में है, और उसके एडिशनल 1 लाख ये 2022 खत्म होने तक वो नौकरियां युवाओं को उपलब्ध होंगी। पूरा एक कैलेंडर इश्यू हो चुका है, 12 महीने में 11 एग्जाम्स अलग अलग विभागों के होंगे अपनी डेट्स पे, और हम बहुत संवेदनशील है, तो हमें लगता नहीं है कि हमने युवाओं के साथ कोई भी, हम ने बहुत सतर्कता बरती है, और युवाओं को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे, ये हमारा भरोसा है, और युवा भी आप कह रहे थे सरकारों के साथ नहीं है, पर ऐसा लगता है युवा ध्यान से देख रहे हैं पूरा इस सरकार के कार्यकाल को, और अभी 8 साल हो, ठीक है सर, आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा सा सर, आपने जितनी अच्छी अच्छी बातें की उतनी अच्छी अच्छी बातों से तो लगा कि अगर आप थोड़ी देर और बोलते तो युवा फोन करके आपकी सरकार को बधाइयां, और अगर आप सामने होते तो मिठाई भी खिलाने लगते, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बोली कि युवा इतना प्रसन्न, इतना खुश है आपकी सरकार से। हालांकि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा कुछ और कहता है। ऐसे में अब मैं सीधे जाऊंगा शैलेंद्र जी के पास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं शैलेंद्र जी, उनके पास जाऊंगा। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं और फोन लाइंस खुली हुई हैं, कोई भी कॉलर कॉल कर सकता है, और एक कॉलर भी है लेकिन उनको लूंगा, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी आप पर एक आरोप है कि आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से इतना प्रेशर बनाया
सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से कि दबाव में आकर गहलोत सरकार ने भर्तियां ही रद्द करना बेहतर समझा कि ज्यादा राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ते हैं, भर्तियां ही रद्द कर दी। उसके बाद से आप शांत हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है युवाओं के साथ। आपका जो मेन एम था, जो मोटिव था, वो था सिर्फ राजनीति। देखिए, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारा एम राजनीति करना नहीं था। आपको पता है जब ये रीट का एग्जाम हुआ, इन्होंने सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने इतने 16.5 लाख लोगों का एग्जाम करा दिया रीट, और इन्होंने उसको राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया। और जब ये लीक प्रकरण धीरे धीरे पेपर लीक की घटनाएं होने लगी, तब मालूम पड़ा कि कितने बड़ी धांधली पर ये कितनी बड़ी धांधली इस रीट पेपर में हुई है। और आपको मैं बताऊं कि 2 अक्टूबर को डोटासरा जी कहते हैं कि नकल नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 या 3-4 सेंटरों पे पेपर लीक हुआ है। जब ये SOG ने प्रमाणित कर दिया, जब SOG ने 45 से 50 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि पेपर लीक हुआ है, उसके कारण इन्होंने रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा का रद्द किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो युवाओं की आवाज को उठाया है। जो प्रकरण इतनी बड़ी लेवल पे धांधलियां हुई थी, जो 18-20 लाख रुपए में पेपर बट रहे थे, लाखों पेपर बाहर निकल गए थे, लीक हुआ पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से, वो स्ट्रॉन्ग रूम में कौन व्यक्ति थे? वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए प्रदीप पारक थे, जिनको अरेस्ट कर दिया गया, और जो इनके छोटे मोटे जो लोग हैं या एजेंट्स हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया है। हमारी मांग कभी ये नहीं थी कि रीट भर्ती लेवल 2 को आप रद्द करो। हमारी मांग शुरू से यही थी कि इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसीलिए हमने CBI की मांग की थी। आप देखिए, अगर पेपर लीक नहीं होता तो क्यों शिक्षा चलिए ठीक है, आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज जो है वो शायद शैलेंद्र जी की। जांच बहुत ढीली हो गई है। अब SOG आगे कोई जांच नहीं कर रही है। जो बड़े DP जारोली हैं, वो जोधपुर विश्वविद्यालय में वायवा लेने जा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है। ये राजस्थान सरकार, जो गहलोत सरकार है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार का कितना बड़ा फेलियर है कि एक राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो के संरक्षक इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन अशोक गहलोत जी के CMO तक जांच जा रही है। जो इसके कन्वीनर है सुभाष गर्ग जी, जिन्होंने सारा प्रपंच रचा है, गोविंद डोटासरा जी, ये क्या SOG इनकी जांच कर पाएगी? आज SOG 50 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आप देखिए वो छूट भी गए, उनकी जांच देखिए और उनको जमानत पे छूट भी गए। तो SOG की जांच रुक गई है, SOG की जांच आगे नहीं बढ़ रही है। ये इन्होंने युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 26 लाख विद्यार्थियों ने रीट का पेपर का फॉर्म भरा था, 16.5 लाख विद्यार्थी इनसे पीड़ित हो गए, उनको धोखा महसूस हो रहा है। पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, जिनके परिवार ने लाखों रुपए खर्च करके 2-2, 3-3 साल कोचिंग कराई, जयपुर में रखा, आज उनकी पीड़ा पूछिए, उनकी क्या होती है। एक पेपर क्लियर करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, परिवार वालों को पूरी आर्थिक 2-2, 3-3 साल मेहनत लेके बेकार चली गई, पैसा वेस्ट हो गया, सरकार ने उस पे कहा कि राष्ट्रीय पर हमने कराया। तो हमारी मांग है कि CBI जांच होगी। अभी आज आपका जब पैनल में उत्साह है, जो आप के अंदर जो एनर्जी है सर, आज बहुत ज्यादा है, लेकिन सड़क पर ये युवा जब धरना दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आपका नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। बिल्कुल, हम उनके हमेशा युवाओं के साथ रहे। हमने आवाज विधानसभा में भी उठाई है, हमने सड़क से संसद तक हमने इस लड़ाई को लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। ये जो भर्ती एजेंसियां हैं, ये भर्ती एजेंसियों को आपने देखा क्या हाल है राज्य, इसमें DP जारोली ने एक बयान दिया था, आपको ध्यान हो तो, कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है। उस राजनीतिक संरक्षण का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। जो सुभाष गर्ग इनके कैबिनेट मंत्री है, वो घूम रहे हैं आज, जो इनके मुख्य कहेंगे, इन्होंने छोटे छोटी मछलियों को पकड़ लिया है, बगर बड़े मगरमच्छ आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। क्या SOG CM को CMO में जाके जांच करेगी? क्या SOG सुभाष गर्ग के यहां जाके जांच कर सकती है? क्या SOG डोटासरा जी के यहां जांच कर सकती है? मैं पूछना चाहता हूं वरुण जी से, आप CBI मांग से क्यों डर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी परीक्षा कराई है, पेपर लीक नहीं हुआ, तो आप CBI जांच से क्यों डर रहे हैं? CBI की जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विद्यार्थियों को भी मालूम पड़ेगा, युवाओं को भी मालूम पड़ेगा। शैलेंद्र जी, जब अरुण जी बोल रहे थे तो अरुण जी ने ऐसा बताया कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ कर दिया, और वो ये तक बोल गए अपनी भावनाओं के सुर में बहते बहते कि युवा कहीं नहीं है, युवा अभी भी हमारे लिए तालियां बजा रहा है, युवा अभी बहुत खुश है।
घर पे बैठा आप देखिए भर्तियां रद्द हो गई है। हम शैलेंद्र प्लीज प्लीज बहुत खुश है, सब तालियां बजा रहा है, सब खुश है, ठीक है म्यूट करिएगा, सब खुश है। लेकिन आप जब बोल रहे हैं शैलेंद्र जी, तो आपकी बातों पर भी आश्वासन कैसे लिया जाए? आप क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है राजस्थान के, तो आप ट्विटर चलाते हैं सर? हाँ ट्विटर चलाते हैं। शैलेंद्र जी आप चूंकि स्पोक्स पर्सन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक ट्वीट ही कर दीजिए इन युवाओं के साथ के लिए। आपकी बात अरे हम तो युवाओं, आप क्या बात कर रहे हैं, हमने तो सड़क पे लड़ी है युवाओं के लिए। खत्म होने के बाद ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप ट्वीट करेंगे कि ये जो भर्ती है इसको बहाल किया जाना चाहिए, और ये जो पूरा रद्द करने का जो एक तरीका है ये बिल्कुल गलत है। जिनकी गलतियां हैं उनको पकड़ा जाए, जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, जो मेहनत कर तो दोषियों पे कार्रवाई कहाँ हुई? मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने छोटे लोगों को कुछ छूट भी गए, आपने देखा, आपने अभी तक जो बड़े लोग थे इसमें जो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है, जो बहुत बड़ा गेम हुआ है, क्या बड़े लोगों को पकड़ा गया? मैं पूछना चाहता हूँ अरुण जी से, क्या सीबीआई जांच से आप डर क्यों रहे? इनको डर इसलिए कि आज सीबीआई का ठीक है। शैलेंद्र जी आप मुझे बस इतना आश्वासन दे दीजिए कि आप ट्वीट करेंगे क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं। आपको मैंने बताया हमने हम सरकार हमने सड़क पे लड़ाइयां लड़ी क्योंकि क्योंकि सुनिए क्योंकि विधानसभा में शैलेंद्र सरकार जी ने तो साफ कह दिया सीबीआई सुनिए सुनिए शैलेंद्र जी सुनिए शैलेंद्र जी सुनने की भी क्षमता रखिए। अरुण जी ने तो साफ कह दिया कि हमने भर्तियां रद्द की और युवा ताली बजा रहा है। उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने कोई कट नहीं है, उनका बिल्कुल क्लियर है कि हमने भर्तियां रद्द की है। बोलिए क्या करेंगे, युवा ताली बजा रहा है। आप जो भी कह रहे हैं, मैं आप क्योंकि विपक्ष में हैं, आप पर सीधे सवाल मैं वैसे नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आपसे कह रहा हूं कि आपने जो दबाव बनाया वो आप पर आरोप है। दूसरी चीज ये है कि आपने अगर विपक्ष की भूमिका उस तरह से निभाई होती और युवाओं के साथ आप उस तरह से खड़ा हुए होते तो साथ शायद सरकार भी झुकती, आपकी बात को मानती। आज से आप कहिए कि विपक्ष के तौर पर आप सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि सरकार जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, और चूंकि आप स्पोक्स पर्सन है राजस्थान के बीजेपी के ऑफिशियल, तो आप ये ट्वीट करेंगे कि हम भर्ती प्रक्रिया जो रद्द हुई है उसके खिलाफ है लेवल टू की। देखिए मैंने आपको बताया हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं सर सही है, सीबीआई जांच की, और मांग हमारी थी सीबीआई जांच की, लेकिन एसओजी ने प्रमाणित माना, एसओजी ने इनकी सरकारी एजेंसी ने प्रमाणित माना, सरकार ने कार्रवाइयां की, अधिकारियों को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, उनको जेल भेजा और उनकी जमानत हो गई। तो एसओजी ने प्रमाणित माना तब जाके सरकार ने रीट पेपर लेवल टू की भर्ती ली की है। जैसा आपको पता है रीट लेवल वन में भी मैंने 135 तक जा रही है, पता लग गया सर, पता लग गया, बहुत बढ़िया राजनेता है, बोलने के लिए सब और हमने युवाओं की आवाज सदैव उठाई है, कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी, कुछ नहीं आज हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने पूरे सड़क पे लड़ाई लड़ी है, जो हमारा यूथ विंग है उसने सड़क पे लड़ाई लड़ी है, और सड़क पर ही नहीं हमने विधानसभा में लड़ाई लड़ी है, और विधानसभा में लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी विधानसभा भी आपने देखा होगा, विधानसभा में हमने युवाओं की बेरोजगारों की आवाज उठाई। वेट फॉर अ मोमेंट सर, वेट फॉर, देखिए कोई इनकी एजेंसी है जो ऐसा और भी लोग हैं, फोन लाइन आरएस आरएस पे भी आप देखिए मनीष दुरिया साहब, आरएस विद्यार्थी जो स्टेट लेवल की टॉप की भर्ती परीक्षा होती है उसमें बैठे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई यहां पर सभा नहीं है सर, रुकिए थोड़ा सा, मनीष दुरिया साहब भी मेरे साथ हैं। मनीष दुरिया जी सबसे पहले तो देखिए पक्ष को जो कहना था पक्ष ने कह दिया और बड़ा खुलकर कहा है उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा अरुण जी की जो ईमानदारी है वो मुझे बड़ी, भाई अरुण शर्मा जी ने जो ईमानदारी के साथ कहा कि ऐसे ऐसे भर्ती प्रक्रिया पूरा प्रोसेस चला, आखिरी में हमारा मन हुआ सुबह उठकर कि रद्द कर दे, रद्द कर दिया और इससे कुछ नहीं बिगड़ा युवाओं का, मेहनत की थी कोई बात नहीं, अभी जुलाई में है दोबारा करिए, ठीक है हम नहीं करा पाए सही से कोई बात नहीं, आपने मेहनत कर ली कोई बात नहीं, हमने रद्द कर दिया जुलाई में दोबारा दे दो कोई दिक्कत नहीं। और जो ऊपर बैठे हमारे शैलेंद्र जी दूसरी खिड़की में, शैलेंद्र जी का तो साफ कहना है कि भैया जितना जितनी काली है जितनी शर्ट काली है वो सारी कांग्रेस की है, हमारी सफेद शर्ट है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि वो साथ हैं कि नहीं है, ये भी क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं। हालांकि अब मनीष जी जरा आप पक्ष और विपक्ष जो दोनों नेता हैं, कांग्रेस से भी हैं बीजेपी से भी हैं, ऑफिशियल हैं दोनों लोग, आप बताइए जरा कि युवा क्या सोच रहा है, जो रीट भर्ती वाला जो मसला है उसको लेकर युवा क्या कह रहा है सर? देखो सर क्या है इस बात का कि देखो एसओजी जांच कर रही है उनकी, एसओजी की अभी तक कोई जांच भी नहीं आई है कितने इसमें लोग लिप्त हैं, तो बिना कोई डिसीजन आए बिना आपने भर्ती रद्द कर दी, हम युवाओं से ही नहीं पूछा आपने, एग्जाम हम लोगों ने दिया आप लोगों ने नहीं दिया सर,
आप पोलिंग करा लेते ना, कितने इसके पक्ष में और विपक्ष में है, कुछ भी नहीं है। मतलब आज फुल रोश है कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के खिलाफ हमारा, विपक्ष के दबाव में। गहलोत साहब का बयान तो पढ़ा है ना अरुण जी आपने, कि विपक्ष के दबाव में भर्ती कैंसिल करता हूं, या ये भी नहीं पढ़ा आपने? हर गलती कीमत मांगती है। आपकी सरकार ने क्या कीमत चुकाई है बता तो दीजिए ना। मैं कीमत तो युवा चुका रहा है, खून के आंसू रो रहा है। ये सर सरकार का अन्याय है हमारे खिलाफ, तो अन्याय क्या होगा ये सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर। ये न्याय है, अन्याय हम क्या सोचेंगे? नहीं सोच सकते। आप लोग ही बता दो अन्याय कैसा होगा कांग्रेस सरकार का हमारे प्रति। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। ये ना हो कि पंजाब की लहर राजस्थान में भी आने में देर नहीं लगेगी, साथ में लगता है श्री गंगानगर। हम युवाओं का कसूर बता दीजिए ना, एक भी क्वेश्चन बता दीजिए हमें ऐसा कि इतने लोग इसमें लिप्त है, हमने भर्ती रद्द कर दी। अरे 200-250 बच्चे हैं इसमें लिप्त, तो आप पोस्टें बढ़ा देते, हम युवाओं के बारे में सोचते, कोई ना कोई रास्ता निकालते। आप रास्ते बहुत है सर निकालने के, हम आते हैं आपके साथ बैठते हैं, अपने रास्ता निकालते हैं। इस चीज का कैंसिल करना किस चीज का सोल्यूशन नहीं है सर? अरुण जी आपसे बात कर रहे हैं, 3-3 साल पढ़ाई करना कोई इजी बात नहीं है सर। 3-3 साल पढ़ाई करना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना अरुण जी। 10-10 घंटे सिटी हेलो जी अरुण जी बोलिए, सुन रहे थे आप, ये आपसे सवाल है। हाँ जी सर बोलिए। देखो दोस्त, जो तुम्हारा दर्द है उसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझता हूँ, और जो तकलीफें नौजवान को उठानी पड़ती है अगर एग्जाम रिपीट करना पड़े तो, जिसकी वजह से उसका टाइम का भी नुकसान होता है, एफर्ट्स का भी नुकसान होता है, और बड़ी मुश्किल हालात में वो अपने आप को एक बार तैयार करता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, तुमको टोटली पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। ये धवाई जी जो इतने जोर जोर से बोल रहे थे, तुमको पता होगा कि ये जो माफिया हैं, एक तो ये पूरे देश की समस्या है, स्पेशली अपने नॉर्दर्न इंडिया की, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। ऐसा नहीं, नहीं सर, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक की बात सामने आई, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक की बात सामने आई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो जो लोग आरोपी थे उनको जेल में डाला, उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन आपकी सरकार ने जो लोग आरोपी बनाए, आप जीबीआई के जांच करवाइए और सारा दूध का दूध पानी का पानी लेकर आप शुरुआत तो करिए, राजस्थान से शुरुआत करिए, तभी तो पता लगेगा कि वास्तविक क्या जांच है। सुनने दी, एक मिनट भाई की, जैसी शुरुआतें आपने की हैं वो भी इस प्रदेश की जनता जानती है। आप इतना भोलापन किस काम का है? आपके जमाने में 2017 में भी रीट का पेपर लीक हुआ था, आपने थानेदारों से जांच करवाई है। आप अभी सीबीआई की बात कर रहे हैं, हमने कम से कम तुरंत एक्शन लिया है। आपके टाइम में ये लीक नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने थानेदार से कराई, इसलिए आप लोग सिर्फ एसओजी से कराएंगे। उन्होंने थानेदार से कराई, आप एसओजी से कराएंगे। कौन सी जांच कराई, किस क्या उसका पर आप क्या उसकी रिपोर्ट आई, क्या वो रिपोर्ट टेबल्ड हुई, क्या है आप मैटर तो बताइए। हम तो आज आपको बता रहे हैं एसओजी ने अब जांच ही बंद कर दी, एक तरह से ढीली पड़ गई। 45 लोगों को गिरफ्तार करके एसओजी सो गई, अब सो गई है क्योंकि अब बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाल सकती एसओजी। तो आप बताइए कैसे जांच होगी, युवाओं को न्याय कैसे मिलेगा? युवाओं का अधिकार है, उनको मालूम होना चाहिए जो उन्होंने दर्द झेला है, जो ये इतना बड़ा दर्द झेला है, जो उनके आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं, मानसिक रूप से कमजोर हुए, उनका समय खराब हुआ है, तो उनको असलियत तो मालूम पड़े कि ये सारा घटनाचक्र कैसे हुआ। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो इसका पूरा माफिया था, इसपे जो सुभाष गर्ग जी जो इसके माफिया थे, वो उसको एक्सपोज तो करिए आप। अरुण जी, अगर एक पर्टिकुलर इलाके में अगर कोई चोरी होती है तो आपका काम है चोरों को पकड़ना, आपका काम ये नहीं है कि वहां पर पूरे इलाके को ही गिरफ्तार करके पूरे इलाके को ही सजा देनी है। अगर जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने पर्चा लीक किया, जिन लोगों ने बांटा, जो लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व थे, उनकी गिरफ्तारी करो, उनको दोषी जो है उनको पकड़िए आप। ये युवा जो हैं जिसने 3 साल मेहनत करी 2 साल मेहनत करी, इनका क्या है? आप लोग के जब इलेक्शंस पास आते हैं, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, घर घर जाना, तमाम चीज़ें, इलेक्शंस कंप्लीट हो जाए, शपथ ग्रहण समारोह परसों है,
आप बहुमत के साथ जीत चुके हैं और दो दिन पहले आपको इलेक्शन कमीशन एक लेटर भेजे कि दरअसल ईवीएम के तारों में बड़ी गड़बड़ थी, आप शपथ नहीं लेंगे, इलेक्शन दोबारा होंगे, इज इट पॉसिबल? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये काफी अपराध एक बार होता है उस आज के जमाने में, हर तरीके का हर किस्म का अपराध कहीं ना कहीं हो रहा होता है हर दिन। तो बहुत ओके है, मतलब आपके लिए ओके है बहुत, आपके लिए अपराध हो रहा है, दैट इज ओके, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं अपराध। आप सुनिए, आप सुन लीजिए प्लीज। महत्वपूर्ण ये है, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि कितने त्वरित कार्यवाही आप करते हैं उस अपराध के प्रति, और उसमें हमने कोई कोताही बरती नहीं। मैंने आपको उदाहरण दिया, इनके जमाने में भी रीट के पेपर लीक हुए। अरुण जी, एक आरोपी आपके विधायक के जमाने में, अरुण जी अरुण जी इनके जमाने में भी लीक हो रहे हैं, आपके जमाने में भी लीक हो रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान को तो कोई तीसरी सरकार की आवश्यकता है, उनकी सरकार में भी लीक, आपकी सरकार में। अरुण जी आरोपी मैं यही बता रहा हूँ, आरोपी तो आपके विधायक के घर बैठा है, आपके विधायक कांग्रेस के विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं। आप एसओजी की बात कर रहे हो, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी कुछ स्पष्ट नहीं होगा। बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, आप क्यों बचा रहे हैं बड़े लोगों को? ठीक, अगर आप भी एक यहाँ से एक नई पहल शुरू करें, युवाओं का विश्वास जीतिए, आप भी योगी आदित्यनाथ यूपी की सरकार के पास आइए। शैलेन जी प्लीज। अरुण जी, चौहटन से आपके विधायक है पद्माराम मेघवाल, ठीक है, वो जो है वो आरोपी के साथ देखे गए, भजन लाल विश्नोई जो है इस मामले में आरोपी था, उसके साथ बैठकर होली मना रहे हैं, जोगीरा सारा रा 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 गाना गा रहे हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? देखिए सुनिए दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि अभी जो एक मेन कल्प्रिट था इसमें, जयपुर में उसने अवैध प्रॉपर्टीज बना रखी थी और वो 2003 से ये काम कर रहा था, और तब हमारी सरकार नहीं थी, वो ऑफिस बुलडोजर से गिरा दिया गया। गिराने से पहले उसमें जिन जिन बीजेपी नेताओं के साथ उसकी फोटो ऑफिस में लगी हुई थी उसका सारा उल्लेख और रिकॉर्ड एसओजी के पास है। मैं इन डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन होली दिवाली हमारे राजनेताओं का ऐसा त्योहार होता है कि दुनिया भर के लोग उसमें आते हैं। आजकल ये सेल्फी के जमाने हैं, कोई भी किसी के साथ खड़ा होकर सेल्फी खिंचवा लेता है। तो ये जरूर है कि उसका कोई अरुण जी वो बगल में बैठा हुआ था, विधायक जी के बगल में बैठ के गुफ्तगू कर रहा था, बगल में तो नीरव मोदी भी बैठा हुआ था प्रधानमंत्री की बगल। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो भजन लाल विश्नोई है, भजन लाल जो विश्नोई है, भजन लाल विश्नोई जो आपसे भी मिलने आता है, सरकार भजन लाल विश्नोई फिर आपसे भी मिलने आता है, ये जो भजन लाल विश्नोई है, भजन लाल विश्नोई है वो आपसे भी मिलने आता है इंडेफिनेट टिकट के लिए, भजन लाल विश्नोई आपसे भी मिलने आता है सर, जितने आरोपी हैं वो आपसे भी मिलने आते हैं? किससे मिलने आते हैं? आपसे भी मिलने आते हैं? एक भी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक अरुण जी। अरुण जी आपने मेरी अभी एक भी बात का जवाब नहीं दिया है। रेले में भीड़ मिलने आए, ये जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं हम, जनता से सीधा कांटेक्ट रहता है, और इनके यहाँ होली दिवाली पे लोग, अभी आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, अभी आप बीजेपी की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि कोई भी मिलने आता है वो मिलता है, मतलब अपराधी आपके यहाँ मिलने आते हैं क्या? किसी के नेम प्लेट लगी होती है क्या? सर आरोपी है, आपके एसओजी ने उसे पकड़ा था, उसके ऊपर आरोप है, आपके एसओजी ने उसे पकड़ा था, आपके एसओजी ने उसे पकड़ा था। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये फोटो खिंचवाना आज की तारीख में फैशन भी है और मुसीबत भी है, कोई भी कहीं जाके बैठ के फोटो खिंचवा सकता है और लोग मना भी नहीं करते त्योहारों के मौके। मैंने आपको बताया कविंदर जी 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 बोलिए कविंदर जी, अरुण जी ने मेरी एक भी बात कभी तक जवाब नहीं दिया है कि ये भर्ती हमने रद्द क्यों की है, इसके पीछे क्या कारण है? हमने तो पेपर में पढ़ा विपक्ष के कारण हमने भर्ती रद्द कर दी गई है, ये तो कोई कारण नहीं बनता है। देखिए चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की आवश्यकता होती है, समझिएगा, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जवाब देने के लिए जवाब की भी आवश्यकता होती है, वो आपका जवाब कैसे देंगे?
जब जवाब है मेरे को ऐसी राजनीति, मेरे को ऐसी राजनीति, ये आप ऊंचे लेवल की राजनीति जो कर रहे हैं ना, मेरे को मतलब यस और नो का जवाब देते रहिए कि ये सही है या नहीं है। पेपर रद्द किया आपने विपक्ष के जवाब में, सत्ता में किसकी सरकार है? अरुण जी आपकी सरकार है? हाँ जी हाँ। या विपक्ष चला रहा है आपकी सरकार को? ईमानदारी से कह रहा हूँ, और हमने आपकी सरकार सर इसको रद्द क्यों किया विपक्ष के कारण? क्योंकि बिल्कुल बेदाग हम रहना चाहते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हैं। जब इनने बहुत हल्ला मचाया, सारे वो तोड़ दिए, तो हमने सिर्फ एक लेवल की भर्ती को पोस्टपोन किया और रद्द करके नई डेट दे दी इमीडिएटली। सर सर आप जो डेट दे दी, हमको लगता ना ही सर आप जो इनके भरोसे सर आपने तो डेट दे दी, लेकिन अरे सर आप जो डेट दे दी इसको पढ़ाई दोबारा करेगा कौन, ये तो बताइए ना। आपने तो डेट दे दी, आप तो फिर अगली दे दोगे, अगली भी रद्द कर देना आप लोग, कोई ना कोई फिर लिप्त हो जाएगा उसमें। जब तक बेरोजगारी रहेगी ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। आप 5000 पोस्टें बढ़ा के इसका सोल्यूशन कर सकते थे। शायद पहली बार इतिहास में इतना सख्त विधेयक लाया गया है इन माफियाओं के खिलाफ, ये शायद आपको जानकारी। सर अभी तक विधेयक आया क्या है? कहां तक विधेयक आया? विधेयक सर विधेयक आया कहां पे, कहां पारित हुआ अभी तक? सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। अभी तक तो सर विधेयक कोई पारित हुआ नहीं, प्रावधान किया गया। हमें तो ऐसा ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, कैसा विधेयक पड़ा नहीं अभी तक। काफी देर से कॉलर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको भी लेना होगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है। कॉलर जो हमारे साथ उनको लीजिएगा, आवाज बढ़ाइए। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत स्वागत है, नाम बताइएगा सर अपना। हेलो, नाम बताइएगा सर अपना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है सर, नाम बताइएगा आपका। चलिए ठीक, आवाज नहीं आ रही है, कट करेंगे। अरुण जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़े लोगों को कब एसओजी पकड़ेगी? कौन बड़े लोग यार, आपके पास कोई बड़े लोग तो क्यों नहीं है? आपके सुभाष गर्ग जी आपके मंत्री, गोविंद सिंह डोटासरा जी आपके अध्यक्ष, आपके सीएमओ तक आज जा रही है। अरुण जी सीएमओ तक आज जा रही है। साहब की जो बातें हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल की जो बातें हैं, अरुण जी चारोली घूम रहा है, जारोली को गिरफ्तार नहीं कर पाए आप अभी तक। जारोली कह चुके राजनीतिक संरक्षण है, ये पेपर लीक राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। ये आपने 200-500 करोड़ का घोटाला करके क्या किया? आपने युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा क्यों किया? अरुण जी युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा क्यों किया? चलिए ठीक है, शैलेंद्र ठीक है, समय की कमी है, एक सेकंड शैलेंद्र जी, समय की कमी है। अरुण जी क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और आपने जो बातें करी वो बातें जितने युवा हैं जो रीट से पीड़ित हैं, रीट पीड़ित युवा जितने हैं वो सब आपको सुन रहे थे। आपने जो बातें की कि सबसे पहले हमने परीक्षाएं निकाली, इतने बड़े लेवल पे हमने परीक्षाएं निकाली, उनको कराया, अच्छे से कराया। सबसे पहला झूठ आपका ये कि आपने बहुत अच्छे से कराया। जब आप परीक्षाएं करा रहे थे उसी वक्त कोई व्यक्ति वहां पर बैठ कर ब्लूटूथ से चीटिंग कर रहा था। उससे 2 दिन पहले 4 दिन पहले कोई व्यक्ति पर्चा लाखों में खरीद रहा था। तो पहला आपका यह गलत है कि आपने परीक्षाओं को बहुत अच्छे से कराया। आपने गलत, आप बिल्कुल परीक्षा नहीं करा पाए, आप बिल्कुल असफल रहे परीक्षा कराने में आप असफल रहे। इसके बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के अगले ही दिन, और लगातार ये आपका जो प्रोसेस था गिरफ्तारियों का चल रहा था, गिरफ्तारियां जब मास लेवल पर आपको पता लगी और आपको पता लगा कि यह दरअसल छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं है, यह ऐसा नहीं है कि राम या किसी गोपाल ने पर्चा उठ करके बेच दिया है, आपको पता लगा कि इसमें बड़े बड़े लोग लिप्त हैं, बड़े बड़े नेता लेवल तक लोग लिप्त हैं, तब आपने गिरफ्तारियां और लेवल पर शुरू करी। ठीक है, आपने गिरफ्तारियां शुरू करी, आप करते रहे, और तब आपको यह पता लगता है कि यह तो दरअसल नेक्सस था। ये नेक्सस किसका था? नेताओं का नेक्सस, अपराधियों का नेक्सस, और सबसे ज्यादा खतरनाक यही नेक्सस होता है जहां पर अपराधी और नेता साथ आ जाते हैं। आपने इनकी कमर तोड़ने की बजाय युवाओं की कमर तोड़ी, आपको इनकी कमर तोड़नी थी, एक एक को चुन चुन कर गिरफ्तार करना था। आपकी सरकार में भी कई लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी थी, एक एक को घर से निकाल कर गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन नहीं हुई सर। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ चेहरे टीवी के सामने आए, उनको अंदर भेजा गया, थोड़े दिनों के बाद वो बाहर आ गए, आपके नेताओं के साथ बैठ कर बुरा ना मानो होली है कर रहे हैं। आप कहते हैं उसके बाद कि वो तो सेल्फी खिंचवाने आ गए होंगे। सर थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, आप सरकार में हैं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट पर्सनल बीइंग, मैं सरकार की बात कर रहा हूं।
आप ऐसी बातें किस मुंह के साथ कह भी सकते हैं? करने के लिए मैं यहां नहीं हूं। एक बेटी, एक बेटा, इन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। 3 सालों की मेहनत, 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, अगर एक भी व्यक्ति मैं कह रहा हूं एक भी अगर लिप्त नहीं था गलत तरीके से, उसने 3 साल मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी और वो परीक्षा केंद्र गया, परीक्षा पास की, अच्छे अंक पाए, अगर उसको आप भर्ती नहीं दे पाए तो ये आपकी सरकार की नाकामी है। आपको इस्तीफा देना चाहिए था, बजाय आपको इस्तीफा देना चाहिए था, आपने क्या किया? आपने युवाओं से इस्तीफा ले लिया, आपने लाखों युवाओं से जो जबरदस्ती इस्तीफा लिया है वो दरअसल आपने कुछ और ले लिया है। और आप जो कह रहे हैं कि युवा तो घर पर बैठ के ताली बजा रहा है, खुश है, वो ताली नहीं बजा रहा है सर। आप जब इलेक्शन आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, हाँ 2023 में ताली बजाएगा युवा, इलेक्शन आएगा बहुत अच्छी तरह ताली बजाएगा, और थोड़ा 2023 में युवा ताली भी बजाएगा। और अरुण जी, इस मसले को ये मत समझिए कि ये कोई टूथपेस्ट है कि दबाया निकल गया खत्म, ये इसको वो मत समझिए सर, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसको आप जो सेंसिटिव समझ रहे हैं, संवेदनशील जो आप बोल रहे थे, ये वो टूथपेस्ट वाला सेंसिटिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा उससे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। और ये सेंसिटिव मुद्दा एक बहुत बड़ा नैरेटिव ले रहा है। और आप जो कह देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे वैसे हुआ था, परीक्षा रद्द, सर ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता है सर। सरकार चलाने में असफल है, तत्काल विभाग से आपने कहा कि त्वरित कार्रवाई करी हमारी सरकार ने, त्वरित कार्रवाई क्या होती है आप सुनिए सर, आप तुरंत सीट छोड़ दीजिए, यह त्वरित कार्रवाई है क्योंकि आप असफल हुए, समझिए सर। और युवाओं को आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के भारत एट नाइन में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान में जो रीट की परीक्षा कराई गई, जिसके बाद इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई और जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, लेकिन सरकार क्या आज भी कह रही है इसको सुनिए और आपको क्या जवाब देना है या आप सोचिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।